यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। चौदह में से 13 सीट एनडीए जीत सकती है, ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। देखिए टाइम्स नाम नवभारत सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए, सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ ये एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। और झारखंड में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। 14 कुल लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 13 एनडीए के खाते में जा सकती है। अब आपको हर एक सीट का हाल बताते हैं, कौन कहां से जीत सकता है। सबसे पहले बात राजधानी रांची की, संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। इनका मुकाबला था यशस्विनी सहाय से, चुनाव हारती हुई दिख रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थी, यहां पर भी इंडिया अलायंस ने पुरजोर कोशिश की। चूंकि खुद मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, बहुत ज्यादा यहां पर बस क्रिएट किया गया था, लेकिन प्रत्याशियों का चयन राजनीतिक पार्टियों ने बहुत उम्दा तरीके से किया। संजय सेठ पहले से यहां पर सांसद थे और उन्हें एक बार फिर से जब टिकट दिया गया तो वो जीतते हुए दिख रहे हैं। राजमहल की बात कर लेते हैं, राजमहल लोकसभा सीट की, ताला मरांडी यहां पर बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। जो एक सीट जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है वो यही सीट है। राजमहल की सीट पर विजय कुमार जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, ये आगे बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहां पर जेएमएम की जीत हो सकती है, हालांकि अभी नतीजा आना बाकी है कॉन्क्रीट। दुमका की बात कर लेते हैं, सीता सोरेन, ये सोरेन हेमंत सोरेन के परिवार से हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुई थी। जब बीजेपी में शामिल हुई तो टिकट मिला और दुमका से जीतते हुए दिख रही, जबकि नलिन सोरेन जो इनको टक्कर दे रहे हैं जेएमएम की ओर से, ये पीछे बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल में। गोड्डा निशिकांत दुबे, देखिए निशिकांत दुबे ये चेहरा जाना माना चेहरा है, टीवी पर हमेशा आते रहते हैं, अमूमन भारत सरकार का हिस्सा रहे हैं, और निशिकांत दुबे जो हैं ये इस बार चुनाव जीतते हुए गोड्डा से दिख रहे हैं, जबकि प्रदीप यादव उन्हें टक्कर दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे, ये पीछे बताया जा रहा है एग्जिट पोल में। इसके अलावा और सीटों का हाल आपको बताते हैं। देखिए अगली सीट है चतरा, यहां पर कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये सीट जाती हुई दिख रही है। कालीचरण सिंह यहां से जीत सकते हैं चुनाव, जबकि कृष्णानंद त्रिपाठी की हार हो सकती है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। कोडरमा की बात कर लेते हैं, महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थी, और सीपीआईएम की ओर से, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, सीपीआईएम की ओर से यहां से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारा गया था विनोद कुमार सिंह को, और ये पीछे बताया जा रहे हैं, यानी कि जनता के मन पर ये छाप नहीं छोड़ पाए। अब बीजेपी के समर्थन वाली आजसू, ये चंद्रप्रकाश चौधरी यहां से चुनावी मैदान में थे और बताया जा रहा है कि ये आगे भी हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया था, अभी तक के डेटा के हिसाब से ये पीछे बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल में। धुलू महतो जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे, ये धनबाद की सीट से आगे बताए जा रहे हैं, यानी कि जीतते हुए दिख रहे हैं, जबकि अनुपमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, ये हारती हुई यहां से दिख रही हैं अभी तक के एग्जिट पोल के डेटा के हिसाब से। जमशेदपुर की बात कर लेते हैं, विद्युत महतो बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश इन्होंने की और ये जीतते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती की बात करें तो यहां पर ये पिछड़ते हुए दिख रहे हैं जो एग्जिट पोल बता रहा है। गीता कोड़ा सिंहभूम की सीट से चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं, और जोबा मांझी जो हैं वो यहां पर चुनाव हारती हुई दिख रही हैं। दोनों महिला प्रत्याशी थी, मधुकोड़ा की फैमिली से गीता कोड़ा, और यहां पर आप देखिए कि सिंहभूम में उनकी जो है वो जीत होते हुए दिख रही है, यानी कि जो प्रत्याशी थे, जो जांचे परखे प्रत्याशी थे झारखंड में, उन पर ज्यादा जनता एक बार फिर से भरोसा जता रही है।